इसी बीच एक और बड़ी खबर हमारे पास है, वो जरा आपको हम बताएं, इसी आतंकी हमले से जुड़ी हुई है। इस अटैक के संदिग्धों की तस्वीर सामने आई है, सीसीटीवी में कैद हुई संदिग्धों की तस्वीर। कार में बैठकर ये देखिए आप, जाते हुए संदिग्ध आतंकी दिखाई दे रहे हैं, जो अंदर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रखे थे। यही वो आतंकी जिनकी तस्वीर सामने आई है। 5 से 6 आतंकियों ने कॉन्सर्ट हॉल में फायरिंग की और पूरी प्लानिंग के साथ ये वहां पर दाखिल हुए फ्राइडे नाइट, और वहां पर बहुत ज्यादा गैदरिंग लोगों की थी। कैपेसिटी ये कहा जा रहा है कॉन्सर्ट हॉल की तकरीबन 6,000 के आसपास, और वहां पर ये आतंकी पहुंचे, ताबड़तोड़ फायरिंग की। उनकी तस्वीर आपके सामने ये है। देखिए, आईएसआईएस ने मॉस्को टेरर अटैक की जिम्मेदारी ली है। आईएसआईएस का दावा है कि अटैक के बाद सुरक्षित हमलावर लौटे हैं। ये दावा आईएसआईएस ने किया है। रूसी एजेंसी हमले की जांच कर रही है। हमले में 70 की मौत की जानकारी अभी तक सामने आई है और 145 के आसपास लोग घायल बताए जा रहे हैं, जो अलग अलग अस्पतालों में इस वक्त भर्ती हैं। देखिए, मॉस्को में हुए इस आतंकी हमले से पूरी दुनिया इस वक्त सन्न है। आतंकियों ने बेहद शातिराना अंदाज में इस आतंकी हमले को अंजाम दिया। अब ये हुआ कैसे, पूरा किस तरीके से वहां पर अटैक किया गया, देखिए आप, रूसी सेना की वर्दी में वो आतंकवादी वहां पर आए थे। उसके बाद आतंकियों के पास ऑटोमेटिक गन थे। पहले गार्ड की हत्या वहां पर की, जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको मौत के घाट उतारा गया, और उसके बाद देखिए कॉन्सर्ट हॉल में घुसकर वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी इन्होंने शुरू कर दी। रूसी सेना की वर्दी में आए हुए थे, ऑटोमेटिक गन इनके पास था। पहले जो गार्ड वहां पर मौजूद थे सुरक्षा में, उन पर अटैक किया गया, उनकी हत्या की। उसके बाद कॉन्सर्ट हॉल के भीतर दाखिल हुए और वहां पर फायरिंग की। एक और बड़ी खबर आपको हम बताएं, आतंकियों ने जब क्रोकस कॉन्सर्ट हॉल में ताबड़तोड़ फायरिंग की, उस वक्त पूरा हॉल वहां पर खचाखच भरा हुआ था। हॉल में 6,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। किसी अनहोनी की घटना से अनजान ये सभी लोग कॉन्सर्ट का आनंद वहां पर ले रहे थे, और तभी 5 से 6 आतंकी वहां पर पहुंचते हैं, हॉल के अंदर दाखिल होते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं। हमलावरों की फायरिंग में 70 लोगों की जान जा चुकी है, 145 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मॉस्को टेरर अटैक में घायल 60 लोगों की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है, एक बच्चे की भी हालत गंभीर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है और 70 से ज्यादा एम्बुलेंस वहां पर तैनात किए गए हैं मौके पर। देखिए, क्रोकस कॉन्सर्ट हॉल में फायरिंग के साथ ही आतंकियों ने 2 धमाके वहां पर बैक टू बैक किए। ब्लास्ट के बाद हॉल में भीषण आग लगी, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। रूसी स्पेशल फोर्स आग बुझाने की कोशिश वहां पर कर रही है। आग पर काबू नहीं होता देख हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव करके आग बुझाने की कोशिश वहां पर लगातार की जा रही है। ये 3 तस्वीर आप देख रहे हैं। जिस वक्त ये हमला वहां पर हुआ, उस वक्त जो कॉन्सर्ट हॉल वहां पर तकरीबन 6,000 के आसपास लोग मौजूद थे, ये कहा जा रहा है जो इस तरीके की किसी भी आतंकी हमले की किसी भी सुगबुगाहट से एकदम अनजान थे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, इस अटैक के बाद रूस की मांग है, मॉस्को में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद रूस की मांग है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की रूस ने मांग की है। बड़ी खबर, टेरर अटैक पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की रशिया ने मांग की है। ये देखिए आप, जब हमला वहां पर हुआ, इस हमले से पूरी दुनिया सन्न है। इस हमले के बाद से रूस की मांग है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई जाए। और देखिए, मॉस्को आतंकी हमले के बाद एक्शन में रूस अब दिखाई दे रहा है। पुतिन के करीबी जो है मेदवेदेव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आतंकी हमले में यूक्रेन का हाथ हुआ तो चुकानी होगी बहुत बड़ी कीमत। सीधे सीधे यूक्रेन से कहा जा रहा है कि अगर हाथ हुआ यूक्रेन का तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। मेदवेदेव ने कहा है कि कीव का कनेक्शन हुआ तो यूक्रेन के बड़े अफसरों का सफाया कर देंगे। रूस को शक, मॉस्को टेरर अटैक के पीछे यूक्रेन का हाथ। हालांकि यूक्रेन ने इससे साफ इनकार कर दिया है। यूक्रेन ये कहा कि हमको बदनाम करने की ये कोशिश है, ये साजिश की जा रही है। यूक्रेन ने साफ तौर से इस हमले से खुद को अलग कर दिया। देखिए, मॉस्को टेरर अटैक पर बोले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। उन्होंने क्या कहा है, देखिए, उन्होंने कहा कि टेरर अटैक में यूक्रेन का हाथ नहीं है, वो मना कर रहे हैं। अमेरिका ने भी यूक्रेन को क्लीन चिट दे दी है। अमेरिका ने कहा कि मॉस्को टेरर अटैक में यूक्रेन का हाथ नहीं है, अमेरिका ने क्लीन चिट दी। और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी ये कहा कि जो अटैक हुआ है मॉस्को में,
रूस की राजधानी में उस अटैक में यूक्रेन का हाथ नहीं है, खुद से दूर किया है यूक्रेन ने इस अटैक से। और साथ ही अमेरिका ने भी यूक्रेन को क्लीन चिट दे दी है। अमेरिका ने कहा कि मॉस्को टेरर अटैक में यूक्रेन का हाथ नहीं है। और साथ ही रूस ने भी ये कहा है, रूस ने कहा कि अगर यूक्रेन का हाथ हुआ तो वहां के बड़े अफसरों का सफाया कर दिया जाएगा, लेकिन यूक्रेन ये कह रहा है कि हमारा हाथ नहीं है। और अमेरिका ने भी यूक्रेन को क्लीन चिट दे दी है। मॉस्को आतंकी हमले पर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया। अमेरिका ने कहा कि रूस ने टेरर अटैक के अलर्ट की गंभीरता से इस जो अलर्ट किया था अमेरिका ने रूस को कि ऐसा कोई आतंकी हमला हो सकता है, उसको गंभीरता से नहीं लिया, इस बात का जिक्र किया कि अमेरिका ने रूस को टेरर अटैक का इनपुट पहले ही दिया था, एक महीने पहले। मॉस्को में रहने वाले अपने नागरिकों को अमेरिका ने अलर्ट किया है। उन्होंने कहा कि अगले 48 घंटे घर में वो रहे, बाहर ना जाए, घर में ही रहने की सलाह अपने नागरिकों को अमेरिका ने दी है। ये बड़ी जानकारी, अमेरिका ने यह कहा कि जो इनपुट हमने दिए थे रशिया को, रूस को पहले यह बता दिया गया था कि इस तरीके से कोई आतंकी हमला हो सकता है, लेकिन उस अलर्ट को, उस एडवाइजरी को गंभीरता से नहीं लिया गया रूस की तरफ से। और उसके बाद जो हुआ इस पर अब अमेरिका ने कहा है अपने नागरिकों से कि आप बच के रहें, उनके लिए एक एडवाइजरी जारी की है कि आप घर पर ही रहें अगले 48 घंटे। रूस ने इनपुट को गंभीरता से नहीं लिया, या अमेरिका कह रहा है पहले ही इनपुट हमने मुहैया करवाए थे, दिए थे, लेकिन उस इनपुट को रूस ने गंभीरता से नहीं लिया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।